मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज लेखा समिति की बैठक जबलपुर में आयोजित हुई। 11 सदस्यीय समिति के सिर्फ 4 सदस्य ही बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में समिति के सदस्यों ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर निगम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा की एवं आय व्यय का आकलन किया। विधायकों की लेखा समिति ने जबलपुर पहुंचकर होटल कल्चुरी में आयोजित बैठक के जरिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की बैठकें अलग अलग समय में हुई। पहली बैठक में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के कार्यों एवं आय व्यय का आकलन किया गया। समिति ने प्रस्तावित कार्यों के जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए, साथ ही किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ भुगतान आदि की जानकारी दी गई। हमारा समिति का काम यह है कि जो पैसा सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार से आए या प्रदेश सरकार से आए, पैसा इनके पास आता है वो जन हितकारी योजनाओं के लिए आता है, उसमें लग रहा कि नहीं लग रहा और सही उसका खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा। ऑडिट टीम आया करती है, ऑडिट टीम ऑब्जेक्शंस लेके जाती है कई बिंदुओं पर, तो जो ऑडिट की आपत्तियाँ हैं उन आपत्तियों की समीक्षा भी ये समिति बैठ के किया करती है। तो आज उसी विषय पर हम लोग यहाँ पर आए थे। प्रसन्नता की बात ये देखी कि जबलपुर जिले में, हमारे पुराने अनुभवी साथी बता रहे हैं कि जबलपुर जिला पंचायत की स्थिति बाकी प्रदेश की अन्य पंचायतों के मुकाबले में इस मामले में बेहतर है। और इससे अच्छी बात यह समझ में आई है कि कई आपत्तियों के जवाब जो यहाँ से जा चुके हैं 2019 में, अभी तक भी AG ऑफिस से उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट उनके लेवल पे है जो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। बैठक में 11 सदस्यीय समिति के सिर्फ 4 सदस्य बतौर सभापति विधायक अजय विश्नोई, विनय सक्सेना, दिव्यराज सिंह एवं संजय शाह शामिल रहे। पिछले 2008 से लेके अभी तक समितियों ने इसके पहले या तो काम नहीं किया या समितियों ने इस पे एक ठोस निर्णय नहीं दिया, जिसके चलते जो ऑडिट आपत्ति महालेखाकार के द्वारा आई उसके जवाब पेश नहीं हुए। आज हम लोगों ने इस पे स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने स्वयं इस बात को संज्ञान लेके जो मैंने कहा और सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि आज जो इनका जवाब है वो लिखित में हमारी समिति भोपाल में जो है विधानसभा की उस कार्यालय में आना चाहिए। और जैसा इनका जवाब है कि साहब हमने तो जवाब दे दिया, महालेखाकार ने अभी तक निराकरण नहीं किया, चाहे वो पंचायतों का मामला हो, चाहे जबलपुर जिला पंचायत का हो, चाहे जनपद का, तो हमने उसमें बोला है कि आप हमको लिखित जवाब दीजिए, ये मुँह जबानी नहीं चलेगा, आप लिखित जवाब दें, हम उसको महालेखाकार को लिखेंगे समिति की तरफ से कि इस बैठक में आज ये आया कि आप लोगों ने 16 तक जो जवाब गए थे उसका जवाब निराकरण नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद शहरी क्षेत्र के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा एवं आय व्यय का आकलन किया गया। नगर निगम के कमिश्नर संदीप GR ने चल रहे कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सर, जो मोस्ट बेसिक सर्विसेज जो नगर निगम के रहते हैं, जैसे अपने सीवरेज, वाटर, रोड्स, इस हिसाब से एंड प्लांटेशन, इस हिसाब से हम लोगों ने आज का ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा है। तो इसमें हम लोगों ने जबलपुर नगर निगम को हम लोगों ने 6 जोन्स में डिवाइड किया है। अभी जोन 1 जो सेंट्रल एरिया है, कमोना का गांवपुर, कांचकर एक्सेट्रा, नेपियर टाउन, राइट टाउन एरिया को हम लोगों ने जोन 1 के हिसाब से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। जोन 2, 3, 4 एंड 5 जहां पे अभी करेंटली अमृत योजना अंतर्गत सीवर की लाइन STPs वगैरह बिछाया जा रहा है, उसको हमने 2, 3, 4 एंड 5 के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। विधानसभा की लेखा समिति की बैठक में सदस्य विधायकों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। बैठक में तय किए गए मुद्दों को स्वीकृति के लिए विधानसभा के जरिए केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। शामिल प्रस्तावों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान की राशि का मामला भी है। जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि अनुदान राशि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सी होनी चाहिए, यानी गाँवों में भी 2.5 लाख रुपयों का अनुदान हितग्राहियों को मिलना चाहिए।